की शहादत, ये सैयद सज्जाद की मुसीबत नहीं है, ये तो इमाम बाकिर की मुसीबत है। मौला सज्जाद की मुसीबत क्या है जानते हो? एहसास दिलाऊं, सुन सकोगे? सैयद सज्जाद की मुसीबत क्या है? सैयद सज्जाद की मुसीबत ये थी कि सैयद सज्जाद बचपन से लेके अब तक देखा करते थे कि जिस बच्ची के रुखसार को हुसैन चूमते थे, सैयद सज्जाद के सामने उस रुखसार पे शिमर का परवाना। जमा कर ला लो, सुनो मुसीबत है सैयद सज्जाद। मेरी माए बहने बैठी, ग्यारहवीं मुहर्रम की सुबह है, ऊंट ले आया, तमाम बीवियों को सवार किया, अगर देर हो जाए मुझे माफ करना, सिर्फ दो चार झुंडे और मैं भी खत्म कर रहा हूं। ग्यारहवीं मुहर्रम को शिव ऊंट लेके आया, सारी बीवियों को सवार कर चुका, एक ऊंट फिर लेके आया। लोगों ने देखा, जालिम ये ऊंट किस लिए लाया है? अभी बताता हूं कि किस लिए लेके आया। ऊंट लेके आया, एक एक बीबी की आगोश को देखना शुरू किया, एक मतबर रबाब की आगोश से सकीना को खींच लिया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, कभी घर पे जाके मुशाहिदा करना, तुम्हारी बहन अपने बच्चे को आगोश में लिए खड़ी रहे ना, सगा भाई भी आगे झटके से लेना, तो मां का दिल दहल जाता है। अरे क्या सुन रहे हो? शिमर था किसने तमाचे मारे, किसने गोते छीने, अरे सबाब दिल थाम के रह रही। ऊंट आया, सकीना को ऊंट की नंगी पुष्ट पे बैठा दिया। मुसीबत है सैयद सज्जाद, सुनो, चार बरस की बच्ची है, तन्हा ऊंट पे बैठी है। जवानों हाथ अदा करोगे जुमले का? चार बरस की बच्ची है, तन्हा ऊंट पे बैठी है। कभी ऊंट को खड़े होते देखा है? जब ऊंट खड़ा होता है पूरे जुजूद से हिल जाता है। अरे सकीना चार बरस की, अरे जब ऊंट खड़ा हुआ हाथों को फैलाया, यह है मुसीबत से मेरे सज्जाद। काफिला सीर हो गया, मुसीबत सैयद सज्जाद तो ये है, सुनो जुमला, मुसीबत सैयद सज्जाद तो ये है कि सैयद सज्जाद पूरी उम्र रोने के बाद भी पूरी करबला पे रो ना सके। जुमला अदा कर रहा हूं, सैयद सज्जाद करबला के बाद मुसलसल रोने के बाद भी पूरी करबला पे ना रो सके, इसलिए कि जब भी किसी ने पूछा इमाम क्यों रो रहे हो, तो एक ही मंजर याद किया, अशाम अशाम अशाम, आगे अहले हराम शाम में असीर हो गए। बिस्तरे बीमारे करबला आने वाला है, वो मसनद जो लूटी गई थी वो मसनद आने वाली है। अदादारों जानते हो ना, जब ये मसनद अहले हरम को रिहाई मिली है ना, और उस वक्त ये मसनद ज़ैनब ने मंगाई है कि जाओ हमारे असबाब कह दो लुटे हुए थे,